हेलो फ्रेंड्स, नेहा आज उसकी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे हस्बैंड इंडियन स्टाइल वेज मंचूरियन बनाने वाले हैं, जो कि बहुत टेस्टी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाने के इंग्रेडिएंट। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम बंदा गोभी बारीक कटा हुआ, एक बड़ा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन बारीक कटे हुए, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 गाजर बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ। मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीडियम साइज प्याज लंबा कटा हुआ, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च स्क्वायर साइज कटा हुआ, 10 लहसुन बारीक कटे हुए, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 3 हरी मिर्च लंबे कटे हुए, मैदा, अरारोट, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, नमक स्वाद अनुसार, विनेगर, अजीनोमोटो, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, रिफाइन ऑयल। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियनाइज्ड वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम सबसे पहले मंचूरियन बॉल बनाएंगे, जिसके लिए हम ये सारी सब्जी को एक पॉट में डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें बंदा गोभी डालेंगे, फिर गाजर, बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन, फिर हम इसे मिला देंगे। अब हम इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, फिर इसे मिला देंगे। नमक मिलाने के बाद वेजिटेबल पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसका पानी निकल जाएगा और मंचूरियन बॉल को फ्राई करते समय बॉल टूटेगा नहीं। 15 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ये पानी वेजिटेबल से निकल गया है। हम वेजिटेबल को निकाल के पानी छान के इसे प्लेट में रखेंगे। इसे आप ऐसे हाथ में ले लें, फिर एक दूसरे पॉट में इसे ऐसे जोर से प्रेस करें। देखिए कितना पानी निकल रहा है इससे। इसे आप ऐसे निचोड़ के पानी निकाल दें। ऐसे ही हम दूसरा भी लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे वेजिटेबल से पूरा पानी निकल चुका है, और ये जो मेरा वेजिटेबल का स्टॉक है, इसे आप या तो ग्रेवी में यूज करिए या इसे आप फेंक सकते हैं। हम सारे वेजिटेबल्स को फिर से पॉट में डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे, 1 चम्मच अरारोट डालेंगे। अब इसे मिला लें। हम अभी इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच अरारोट डाल रहे हैं। मेरा मंचूरियन बॉल नहीं बन रहा हो, हम इसमें फिर और मैदा और अरारोट डालेंगे ताकि मेरा मंचूरियन बॉल बन जाए। ब्लैक पेपर पाउडर, देखिए ये अभी बॉल अच्छे से नहीं हो रहा है। आधा चम्मच मैदा मैं और डालूंगा, आधा चम्मच अरारोट, और फिर से इसे मिलाएंगे। अब देखिए मेरा मंचूरियन बॉल अच्छा से बन रहा है। मैंने 1.5 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच अरारोट डाला था। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं ताकि मंचूरियन बॉल में अच्छा फ्लेवर आ जाए, और फिर हम इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसका बॉल्स बनाएंगे। साइज आप अपने हिसाब से ले लें, आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए मेरा ये बॉल कितने अच्छे से बन गया है। इसी तरह हम सारे बॉल्स को बनाएंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, हम इसमें मंचूरियन बॉल को डालेंगे। बॉल्स को डीप फ्राई करने से पहले आप एक काम कर लें, आप अपने फ्लेम को हाई करके पहले ऑयल को अच्छे से हीट कर लें, फिर फ्लेम को आप मिड पे कर दें। देखिए मंचूरियन बॉल हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे अब पेपर नैपकिन में निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह हम बाकी भी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करेंगे। हमारा मंचूरियन बॉल डीप फ्राई हो गया है, हम अब ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, और इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक, और फिर हम इसे हिलाएंगे। फ्लेम को मिड पे रखें। अब हम इसमें प्याज को डालेंगे, हरी मिर्च, 2 मिनट के लिए मिड फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे।
दो मिनट हो गया है, हम इसमें अब शिमला मिर्च डालेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 मिनट हो गया है, हम इसमें अब एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिलाकर मैंने घोल बनाया था इसे मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर इसे मिला दें। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच टमाटर सॉस, एक बड़ा चम्मच चिली सॉस इसे मिला देंगे। एक छोटा चम्मच नमक या नमक स्वाद अनुसार, और इसमें हम जो वेजिटेबल स्टॉक मेरा था उसे हम डाल देते हैं और फिर इसे मिला दें। फ्लेम को हाई करें ताकि इसमें उबाल आ जाए। इसमें उबाल आ गया है, हम अब फ्लेम को मिड कर देंगे। आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे मिड फ्लेम पे छोड़ दें। 4 मिनट हो गया है, मेरा ग्रेवी थिक हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा ग्रेवी कितना अच्छा हो गया है, थिक हो गया है। हम इसमें अब चुटकी भर अजीना मोटो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दीजिए या आप नहीं दीजिए। इससे मंचूरियन का फ्लेवर और एनहांस हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और हम लास्ट में इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे और फिर इसे मिला देंगे। फिर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मिड फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। 4 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। वाह, क्या खुशबू है। मेरा वेज मंचूरियन बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे गरम गरम सर्व करेंगे और मेरी वाइफ नेहा इसे टेस्ट करके बताएगी कि इसका फ्लेवर कैसा है। ये बहुत 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 यम्मी है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और जैसा कि मैंने बोला था मंचूरियन बच्चों को बहुत पसंद है, तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए मंचूरियन बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।